आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल फाइबर और यार्न के टाइप्स के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, और जो कारपेट होता है उसका ऊपर का लुक या टाइप कितना होता है, कितने तरह के स्टाइल्स आता है मार्केट के अंदर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे बताएं कि कितने तरह के टेक्सटाइल फाइबर या यार्न्स होते हैं, क्या क्या? बल्क हेड कंटीन्यूअस फिलामेंट एंड सेकंड इज स्टेपल यार्न। हाँ, तो उसको हम BCF भी कहते हैं। BCF कैसा होता है? सिंथेटिक फाइबर लॉन्ग होते हैं स्ट्रेट, और लॉन्ग, कंटिन्यूअस, इसीलिए इसका नाम है बल्क हेड कंटिन्यूअस फिलामेंट। सिंथेटिक के एग्जांपल्स? नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलीन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर। एंड नायलॉन को नायलॉन। पॉलीएमाइड भी बोल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। नायलॉन को हम पॉलीएमाइड भी क्या बोल बोल सकते सकते हैं? पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। PA66। ठीक, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन या बनावट कैसी होती है कारपेट की, वो दिखाइए क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फेस लूप होता है। फेस होता है, लूप एक वैरायटी है। हाँ ठीक फेस है। एंड प्राइमरी बैकिंग एंड फ्री कोट, सेकेंडरी बैकिंग। सेकेंडरी बैकिंग बैकिंग। ओवरऑल एक कारपेट की बनावट में जो ऊपर की तरफ चीजें होती हैं उसको फेस कहते हैं, वो बहुत तरह के वैरायटी या स्टाइल्स में आते हैं, और नीचे की तरफ बैकिंग कहते हैं। बैकिंग में यहाँ पे हमने शो करा है 3 लेयर, 4-5 लेयर भी हो सकता है। उसकी बनावट में तरह तरह के मटेरियल यूज हो सकते हैं, ज्यादातर PVC बेस्ड, रबर बेस्ड, और इवन नेचुरल फाइबर जैसे कि जूट भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो वो थी बनावट। सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर गुथा टाइप का होता है, गुथा हुआ होता है, ठीक है, एंड सिंथेटिक्स नॉर्मल सिंपल सीधा होता है, ओके, और कोई सिलिंड्रिकल लॉन्ग होता होता है, है। और ये हाँ लॉन्ग होता है, ये ट्विस्टेड शॉर्ट होता है। और शॉर्ट होता है। शॉर्ट भी होता है, ट्विस्टेड भी होता है, ये डिफरेंस है। नेचुरल फाइबर के एग्जांपल वुल कॉटन एंड और क्वायर, और भी कॉटन। ऐसी चीजें, हेज, नॉन, बहुत सारे जो नेचुरल सोर्सेस से फाइबर निकाली जाती हैं, इवन ग्रास से भी निकाला जाता है। मालूम है देयर इज मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास, उसकी हाइट 8 फुट 10 फुट तक की भी होती है, और ऑर्नामेंटल ग्रासेस भी लैंडस्केप में, गार्डन में यूज किया जाता है। अगर आप दिल्ली में जाएंगे राष्ट्रपति भवन के पीछे, तो वहां पे अ वैरायटी ऑफ ग्रास हैज बीन यूज्ड। और आपको पता है कि ये नेचुरल फाइबर में गांव के अंदर में ग्रास को यूज करके और ग्रास बेस्ड यूटेंसिल्स या कंटेनर्स बनाए जाते हैं, सभी ने देखा होगा गांव में। यस सर। यस, ये भी एग्जांपल है नेचुरल फाइबर के, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है कारपेट बनाने में कौन कौन सी चीज नेचुरल में? एंड कॉटन। ठीक, अब हम बात करेंगे कारपेट के डिफरेंट फेस स्टाइल्स के बारे में, बताइए। लेवल लूप पाइप, ठीक है। सेकंड मल्टी लेवल लूप पाइप, थर्ड मल्टी लेवल कट पाइप, फोर्थ प्लस बिलोर, फिफ्थ सेक्शनी एंड सिक्स फ्रेम, सेवन कट एंड लूप पाइप। ठीक, उसके स्केचेस को भी आप एक्सप्लेन करते जाएं। लेवल लूप पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे क्योंकि लूप्स सेम लेवल सेम सेम लेवल हाइट पे होती होते है। हैं, सेम हाइट पे। तो लेफ्ट साइड में स्केच है, राइट साइड में उसके बारे में है ब्रैकेट के अंदर में, आप उसको एक एक को एक्सप्लेन करते जाएं। सेकंड मल्टी लेवल लूप पाइप में डिफरेंट हाइट होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी गुड। एंड मल्टी लेवल कट पाइप स्मूथ रिच लुकिंग होता है। जैसे वो मल्टी लेवल है, सारे कट पाइल है लेकिन ऊपर मल्टी नीचे होते हैं, मल्टी लेवल में होते हैं। नेक्स्ट प्लस एंड और बिलोर, ये क्लस्टर्ड एंड डेंस होता डेंस होता है, है।
बिल्कुल। और सेक्सोनी ट्विस्टेड थिक लेवल एंड फिनिश, लेवल फिनिश में होता है, इट्स नॉट लेवल एंड फिनिश, लेवल फिनिश एक ही लेवल में होता है, ठीक है। फ्रीज ट्विस्टेड ट्विस्टेड कर्ली रफ होता है, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं। यस, फ्रीज सबसे ज्यादा कर्ली होता है, गुथा हुआ होता है, समझ ले कि धागा है और धागा निकल के एक दूसरे में गुथा हुआ है, कर्ली है, ट्विस्टेड है, रफ है, इंटरवूवन है। नेक्स्ट, कट एंड लूप पाइप वैरायटी होते हैं। वैरायटी मींस, क्यों वैरायटी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है, किसका किसका, लूगा एंड कट का, कट पाइल का एंड लूप पाइल का, ठीक है। अब मैं डिफरेंस पूछूंगा, प्लश एंड सेक्सोनी में क्या डिफरेंस है? सर, प्लश क्लस्टर्ड एंड डेंस होता है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा वो होता है, डेंसिटी ज्यादा है, फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और सेक्सोनी में ये ट्विस्टेड होता है, थिक होता है, लेवल फिनिश होता है। हाँ, वो तो जो लिखा है, इसके अलावा भी हम कॉमन सेंस से भी बात कर सकते हैं।